चलिए सबसे पहले हम लोग मोमोज़ के लिए आटा गूंथ लेते हैं। इसके लिए मैंने गमले में मैदा ले लिया है। अब उसमें थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर इसे हम पानी डालकर सॉफ्ट आटा गूंथ लेते हैं। और ये देखिए हमारा सॉफ्ट आटा गूंथ गया है। और इसे हम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो चलिए अब स्टफिंग का प्रिपरेशन कर लेते हैं। मोमोज़ की स्टफिंग के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे, फिर इसमें अदरक और लहसुन कटा हुआ डाल देंगे, और थोड़ी सी हरी मिर्च। अब हम इसमें पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च डाल देंगे। इसे हमें तेज आंच पर भूनना है और इसका पानी सुखाना है, इसे ढकना नहीं है। थोड़ा हम इसमें स्प्रिंग अनियन भी डालेंगे, इससे भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। और अब हम इसमें काली मिर्च और नमक डाल देंगे और फिर इसे मिक्स कर लेना है। स्टफिंग हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए मोमोज बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। अब हम आटे की एक पेड़ा ले लेते हैं इस तरह से, और फिर इसे बेलेंगे। और ये देखिए इस तरह से हम स्टफिंग को सेंटर में डालेंगे। और हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से देखिए चारों तरफ से फोल्ड करते जाएंगे। और ये बंद होते जाएगा। और ये देखिए हमारा एक मोमोज तैयार हो गया है। इस तरह से सारे मोमोज को मैं प्रिपेयर कर लूँगी और फिर इसे स्टीम करेंगे। इस तरह से देखिए मेरे सारे मोमोज तैयार हो गए हैं और अब मैं इन्हें स्टीम करूँगी। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है स्टीम होने के लिए। पानी नीचे बॉईल हो रहा है और अब एक एक करके मैं सारे मोमोज को इसमें रख दूँगी। और अब हम इसे ढक देते हैं, 15 से 20 मिनट इसे स्टीम होने देंगे, फिर ये रेडी हो जाएगा। मोमोज अब रेडी हो गया है। चलिए अब इसे हम देख लेते हैं। और ये हमारा तैयार हो गया है, अब इसे हम सर्व कर देते हैं। मोमोज हमारा रेडी हो गया है, तो चलिए अब हम इसे सर्व कर देते हैं। और ये देखिए रेडी है खाने के लिए। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।